इंडिया में सबसे ज्यादा माइलेज वाली एसयूवी गाड़ियां कौन सी हैं और उनमें कौन सा इंजन मिलता है, चलिए जानते हैं। टॉप लिस्ट प्रोवाइडर, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें नई नई वीडियो देखने के लिए। हुंडई अल्काज़ार 607 सीटर एसयूवी गाड़ी, डीजल और पेट्रोल दोनों इंजनों का ऑप्शन। ज्यादा माइलेज है डीजल का 20 km/h का। इसके अलावा इसमें पेट्रोल इंजन मिलता है जिसका माइलेज इससे कम है। 1.5 लीटर डीजल, 115 PS की पावर, 250 Nm का टॉर्क और 16,71,000 से 20,65,000 रुपये तक की एक शोरूम कीमत है गाड़ी की। फिर XUV300 5 सीटर SUV गाड़ी, डीजल और पेट्रोल दोनों इंजनों का ऑप्शन। ज़्यादा माइलेज डीजल का जो कि 20.1 km/h का माइलेज है। इसके अलावा इसमें टर्बो पेट्रोल इंजन का ऑप्शन और मिलता है, उसका माइलेज इनसे कम है। 1.5 लीटर डीजल इंजन, 117 PS की पावर, 300 Nm का टॉर्क और 9,60,000 की एक शोरूम कीमत है गाड़ी की। फिर मारुति ब्रेजा 5 सीटर SUV गाड़ी, पेट्रोल इंजन, 20.15 km/h का माइलेज है। इसके अलावा इसमें कोई और इंजन का ऑप्शन नहीं मिलता। 1.5 लीटर पेट्रोल, 103 PS की पावर, 137 Nm का टॉर्क और 8,19,000 से एक शोरूम कीमत शुरू होती है। फिर रेनो काइजर 5 सीटर SUV गाड़ी, पेट्रोल इंजन। ज़्यादा माइलेज जो है वो टर्बो पेट्रोल इंजन का है, 20.5 km/h का। इसमें एक नॉर्मल पेट्रोल और दूसरा टर्बो पेट्रोल 1 लीटर वाला, 100 PS की पावर, 160 Nm का टॉर्क और 8,25,000 से एक शोरूम कीमत है टर्बो वाले वेरिएंट की। फिर किया सेल्टोस 5 सीटर SUV गाड़ी, इसमें पेट्रोल और डीजल दोनों इंजनों का ऑप्शन। ज़्यादा माइलेज जो है वो डीजल वाले का है, 20.8 km/h का। इसके अलावा इसमें नॉर्मल पेट्रोल और टर्बो पेट्रोल इंजन का ऑप्शन और मिलता है, लेकिन ज़्यादा माइलेज डीजल का है। 1.5 लीटर, 115 PS की पावर, 250 Nm का टॉर्क और डीजल वेरियंट की कीमत 11,89,000 से एक शोरूम कीमत शुरू होती है। फिर टाटा नेक्सॉन 5 सीटर SUV गाड़ी, डीजल और पेट्रोल दोनों इंजनों का ऑप्शन। ज़्यादा माइलेज डीजल का 23.22 km/h का। इसके अलावा इसमें टर्बो पेट्रोल इंजन का ऑप्शन और मिलता है, लेकिन डीजल वाला इंजन जो है 1.5 लीटर है 4 सिलेंडर में, 110 PS की पावर, 260 Nm का टॉर्क और डीजल वाले वेरियंट की 10,00,000 से कीमत एक शोरूम कीमत शुरू होती है। फिर होंडा WRV 5 सीटर SUV गाड़ी, डीजल और पेट्रोल दोनों इंजनों का ऑप्शन। ज़्यादा माइलेज जो है वो डीजल का है, 23.7 km/h का। इसके अलावा इसमें नॉर्मल पेट्रोल इंजन का ऑप्शन और मिलता है। इसमें 1.5 लीटर डीजल, 100 PS की पावर, 200 Nm का टॉर्क और डीजल वेरिएंट की कीमत 11,27,000 से एक शोरूम कीमत शुरू होती है। फिर टाटा पंच 5 सीटर SUV गाड़ी, इसमें सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल इंजन, 20 km/h का माइलेज। इसके अलावा इसमें CNG का ऑप्शन,
और मिलता है, जो कि 26.49 किलोमीटर प्रति किलोग्राम का माइलेज है। ज़्यादा माइलेज सीएनजी पर है। इसमें 1.2 लीटर पेट्रोल, 86 पीएस की पावर, 139 एनएम का टॉर्क, और सीएनजी पर सेम इंजन लेकिन पावर घट जाती है, 77 पीएस की पावर, 97 एनएम का टॉर्क, और 6 लाख से लेके 9,54,000 से एक शोरूम कीमत शुरू होती है। मारुति ग्रैंड विटारा 5 सीटर एसयूवी गाड़ी, इसमें पेट्रोल इंजन मिलता है। पेट्रोल में दो इंजनों का ऑप्शन और सीएनजी का ऑप्शन भी। ज्यादा माइलेज सीएनजी का है, 26.6 किलोमीटर प्रति किलोग्राम का। इसमें एक मिल हाइब्रिड, दूसरा स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड का ऑप्शन। 1.5 लीटर मिल हाइब्रिड मिलती है इसमें, 87.83 पीएस की पावर, 121.5 एनएम का टॉर्क सीएनजी पर, और सीएनजी वेरिएंट की कीमत 12,85,000 से एक शोरूम कीमत शुरू होती है। फिर टोयोटा अर्बन क्रूजर हाइब्रिडर 5 सीटर एसयूवी गाड़ी, दो पेट्रोल इंजनों का ऑप्शन और सीएनजी का भी। माइलेज सबसे ज़्यादा सीएनजी पर है, 26.6 किलोमीटर प्रति किलोग्राम का। इसके अलावा इसमें मिड हाइब्रिड और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड का ऑप्शन दिया। 1.5 लीटर, 87.83 पीएस की पावर, 121.5 एनएम का टॉर्क, और सीएनजी वेरिएंट की कीमत 13,23,000 से कीमत शुरू होती है। तो मैंने आपको सबसे ज़्यादा माइलेज वाली एसयूवी गाड़ी बताई है, जो कि ये है।